Hello everyone, welcome to the online classes. Today we shall study the last chapter of Vistas. The name of the chapter is Memories of Childhood, written by Jitkala Saw and Bama. The chapter is divided into two parts. It contains autobiographical episodes from the lives of two women from lower communities. The stories belong to their childhood. Hence, the name of the chapter, the, uh, the first part, written by Gertrude Simon Bonin under the pen name Jitkala Saw, so, is a chapter taken from her work American Indian Stories and describes the operation she faced at the Carlisle Indian School. यहाँ पर दो औरतें जो कि दलित समुदाय से या समाज के थोड़े दबे हुए वर्ग से आती हैं उनकी आत्मकथा से लिए हुए टुकड़े हैं उसका अंश है ये और ये बताते हैं अपने जीवन के अनुभव इन्होंने यहाँ पर साझा किए हैं द सेकेंड पार्ट एंड एक्सक्रिप्ट टेकन फ्रॉम करक्कू एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ बामा पेन नेम ऑफ अ तमिल दलित वुमन रिलेट्स टू हर फर्स्ट एक्सपीरियंस एक्सपीरियस विबिलिटी और दूसरा जो हिस्सा है वो बामा जो कि क्या है बच्चों दलित तमिल दलित वोमन है और उन्होंने छुआछूत की जो उनके अनुभव हैं उसको साझा किया है दे आर आर टू मेन कैरेक्टर्स जिटकला सो शी इज ट्रेडिशनल रिवेलिय नेटिव अमेरिकन गर्ल फोर्स टू कंफर्म द रूल्स बाय द वाइल से वो ट्रेडिशनल रिबेलियस और स्टबन लड़की है और कहा की है बच्चो नेटिव अमेरिकन गर्ल है यानी अमेरिका की मूल निवासी है वो और जो दूसरी है बामा शी इज एन इनोसेंट एट ईयर ओल्ड अनटचेबल कास्ट गर्ल हु मेज टू रियलाइज हर स्टेटस बाय ह ब्रदर और दूसरी जो है वो तमिल दलित लड़की है आठ साल की जो उसने अनुभव साझा किए हैं और उसको अपने बचपन में जो छुआछूत की जो खराब परंपरा है उसका जो खराब अनुभव हुआ है वो उन्होंने हमारे साथ साझा किया है लेट्स ओवरव्यू द चैप्टर द राइटर जिटकला सॉ जॉइंट अ रेजिडेंशियल स्कूल वेयर ऑल द गर्स हेल्पल्ड the writer and her friend had long and thick hair, as was tradition in their home or community. they were forced to have shingled hair like other girls. the friend of the writer submitted before the school authorities, but the writer rebelled and resisted as much as possible. at long last her long hair were cut. it was the first day after the writer had joined a residential school. A pale faced woman with white hair was their hostel warden. All the Indian girls wore in stiff shoes and tightly fitted clothes. The writer disliked them, but later on she was compelled to live like all the other Indian girls. When they went for breakfast they had it by formula. Zudwin was writer's friend. दे बोथ long लॉन्ग एंड hair. तो इसमें जो जिट कला सो है जब वो पहली बार स्कूल जाती है रेजिडेंशियल स्कूल में जाती हैं तो वहाँ उनको उनके तौर तरीकों से रहना पड़ता है जो कि उनके अपने समुदाय में अपनी कम्युनिटी में बिल्कुल कॉमन नहीं है उनको बाल काटने पड़ते हैं उनको टाइट कपड़े पहनने पड़ते हैं उनको लैदर शूज पहनने पड़ते हैं जो कि उनकी अपनी कम्युनिटी में अपने जो घर में ये सब चीजें नहीं होती थी तो वो काफी विद्रोह करती हैं जितना वो कर सकती हैं बगावत करती हैं लेकिन आखिर में उनको भी अपने बाल कटवाने पड़ते हैं तो ये उनके बचपन के कुछ ऐसे अनुभव हैं जो उन्होंने हमारे साथ बांटे हैं वन डे जुडविन गेव हर आग शी न्यू सम समर्ड ऑफ इंग्लिश शी ओवर हर्ड द पेल फेस वुमन हु वॉज टॉकिंग अबाउट कटिंग दियर लॉन्ग हेयर जुडविन एंड नाउ शी हैड सिंगल्ड बट द राइटर रिबिल्ड And the rider went upstairs quietly and hid her in a room. As long as she was searched out by all the women and girls, she was dragged out from where she was hiding. She resisted them by kicking and scratching wildly. She was brought down stairs. She was tied fast in a chair, and her long hair was cut forcibly. She wept aloud. She felt it below dignity. But she was like a hapless little uh, animal in a herd driven by a herder. तो होता क्या है बच्चों कि जुडविन जो उसकी सहेली है उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है तो उसने एक दिन उसको वार्निंग बताई कि हम जो पेल फेस हमारी वार्डन है वो ऐसा कह रही है कि इन लड़कियों के बाल काटे जाएंगे ये का, लड़कियां कौन सी हैं अमेरिका अमेरिकन मूल निवासी बच्चे हैं ये तो इनको बहुत बुरा लगता है क्योंकि इनकी कम्युनिटी में बाल कटाना बहुत खराब समझा जाता है तो जो जुडविन है वो तो सरेंडर कर देती है उसके बाल काट दिए जाते हैं लेकिन ये जो राइटर है चिटकला सौ ये बहुत ही विद्रोह करती है और छुप जाती है तो इसको घसीट के लाया जाए

It's an autobiography of the writer. The second part is an excerpt taken from Karaku, an autobiography of Bama, a Dalit Tamil woman. The writer shows the curse of untouchability in the past year. She also tells us the way has we can get rid of it by studying hard in our student life. We will realize that people come to us of their own accord. When the writer was studying in third class, she had already seen, felt, experienced, and been humiliated by untouchability. ये बामा की कहानी है उसके जीवन का हिस्सा है ये उसने अपने करकूत नामक अपने आत्मकथा जो लिखी है उसका एक हिस्सा है उसी का एक अंश है तो बचपन में जब वो कक्षा तीन में पढ़ती थी तो उन्होंने छुआछूत अनटचेबिलिटी की जो हमारी कुरीति है जो हमारा अभिशाप है उसको देखा उसको महसूस किया उसका अनुभव किया और उसके द्वारा उन्होंने ह्यूमिलिएशन फील किया शी कु वॉक हर होम मिनट बट इट वुड टेक हॉम हाफ एन आवर टू वन आवर शी केम होम एंजॉइंग एंड वॉचिंग थिंग्स ऑन हर वे तो बचपन में जब वो स्कूल से घर आती थी तो उनका घर मात्र दस मिनट की दूरी पर था स्कूल से लेकिन वो इधर उधर देखते छोटे बच्चे करते हैं ना तो इधर उधर देखते हुए इंजॉय करते हुए बाजार को सड़कों को गलियों को तमाशा वगैरह जो भी होता है उन सबको देखते देखते आधे घंटे से लेकर एक घंटे का समय लेती थी और इस सबको इंजॉय करते हुए देखते हुए घर आती थी तो एक दिन का उनका अनुभव है क्या है बच्चों वन डे शी सॉ अ फ्लोर एट द कॉर्नर ऑफ हर स्ट्रीट पीपल ऑफ हर कम्युनिटी वर वर्किंग हार्ड विद द हेल्प ऑफ प्लस टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्ट्रॉप द लैंड रॉड वॉ सिंग एट इज देयर बाय तो उन्होंने क्या देखा कि अनाज निकालने वाली मशीन लगी हुई है Uh, उसकी थ्रेशिंग चल रही है और उसकी समुदाय के लोग उसकी समुदाय मतलब दलित समुदाय के लोग पर बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं और जबकि जो लैंडलॉर्ड है है। वो है। बड़े आराम से हुआ फ्रॉम ही वॉज पिकिंग द स्ट्रिंग ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ बड़े दे वर्स्ट रैप इन बनाना लीव एंड पैकेट वॉज प्लेस्ड पेपर बैग The elder man was holding the string of the paper bag. The writer wanted to shriek with laughter seeing such a big man carrying a small pocket in that fashion. She came home and told the story to her elder brother. तो होता क्या है कि वो ये देखता है कि जो लैंडलॉर्ड बैठा हुआ है उसको उनकी समुदाय यानी दलित समुदाय का एक आदमी एक पैकेट पकड़ के ला रहा है बड़े 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 का वड़े, खाने वाले जो वड़े होते हैं, उसको ला रहा है और बड़े जो हैं वो पहले बनाना केले के पत्ते में लपेटे गए हैं उसके बाद कागज में लपेटे गए हैं और उसको एक डोरी से बांध के ऐसे लटकाया गया है और वो उसको बिल्कुल ऊपर से पकड़ के ला रहा है तो उस छोटे बच्चे को बामा को देख के बहुत हंसी आती है कि ये इतना सयाना आदमी और ऐसे बच्चों की तरह क्यों ला रहा और वो बहुत हंसते हंसते ये किस्सा अपने घर में आ अपने बड़े भाई को बताती है अपर क्लास बिलीव सुपीरियर टू दलित तो उसका बड़ा भाई उसको एक कटु सत्य बताता है कि ये अगर बड़े हमारे दलित समुदाय का जो सियाना आदमी है उससे छू जाते तो यह अपवित्र हो जाते क्योंकि ये जो अपर क्लास के लोग हैं वो हमें अपने से क्या समझते हैं श्रेष्ठ समझते हैं वन डे हर ब्रदर हु इन आर यूनिवर्सिटी एंड हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज टोल्ड हर बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दलित कम्युनिटी वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट ही एडवाइज टू स्टडी हार्ड Other people would come to her voluntarily. तो उसका बड़ा भाई कहता है क्योंकि हम दलित समुदाय से आते हैं तो हमें अगर इज्जत कमानी है तो हमें क्या करना होगा बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना होगा अपनी एक ऊंची पोजिशन में पहुंचना होगा तो इससे क्या होगा हमें भी इस समाज में हम मुख्य धारा में शामिल होंगे शी वर्क हार्ड एंड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास एंड मैन स्टूडेंट बिकेम हर फ्रेंड तो ये जो लड़की बामा है तो अपने भाई की इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लेती है और बहुत मेहनत करती है और क्लास में फर्स्ट आती है और फिर उसके ढेर सारे मित्र बन जाते हैं तो उसने ये अनुभव हमारे साथ साझा किया है बामाज ब्रदर एडवाइस हार टू स्टडी विथ केयर लर्न ऑल शी गुड एंड ऑलवेज बी अड इन हर लेस टू ओवरकम द ह्यूमिलिय बॉर्न एंड अनबल तो मामा का भाई उसको कहता है कि हमें पढ़ लिख कर खूब मेहनत करनी है इससे क्या होगा कि जो हमने दलित समुदाय में पैदा होकर जो हमने ह्यूमिलियन सहा है उससे हम ओवरकम होंगे विद दिस वी कंप्लीट द इंटायर सिलेबस ऑफ क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश आई होप यू हैव एक्सेस टू ऑल दीडियो लेक्चर्स I hope it was an enjoyable learning experience for you all. Now, we will start our revision schedule soon. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.